सो गाइज वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। आज मैं तुम्हारे लिए एक और अपडेट लाया हूँ, क्योंकि आजकल यू नो टाइम ऐसा चल रहा है कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है ऑस्ट्रेलिया के न्यूज के रिगार्डिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन स्पेसिफिक। तो आज मेरे पास दो कंटेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। फर्स्ट चीज, और ये दोनों आज के ही न्यूज है, क्योंकि आज ऑब्वियसली वेंसडे है, बट जब तक मैं वीडियो डालूंगा इट विल बी थर्सडे, तो बाद में चिक चिक मत करना है कि तुमने लेट वीडियो डाली है वो। तो आज 21st है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 22 सितंबर की न्यूज है, 3 घंटे पहले की न्यूज है दोनों। तो सबसे पहले डिस्कस ये करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी आज कैपिटल में, विच इज कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन नेशनल टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, उन्होंने ये बोला है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया विल बी ओपनिंग इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स बाय क्रिसमस। सो जो एज जो गवर्नमेंट न्यूज आई है वो ये है कि जितना भी लेट हो जाए बट हम क्रिसमस से लेट नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू ओपन दी इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है, जो सिर्फ WA टारगेट कर रहे हैं आने का, जो सिर्फ पर्थ टारगेट कर रहे हैं आने का, उनके लिए एक सैड न्यूज ये है कि जो यहाँ का प्रीमियर है मार्क मकगोवन, उसने बोला है कि इवन दो हमारे वैक्सीनेशन रेट्स हाई चले जाएंगे एंड डजेंट मैटर इफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री ओपन अप इंटरनेशनली और नॉट, WA विल नॉट ओपन इट्स बॉर्डर टू आइदर वन ऑफ द स्टेट्स, लाइक किसी स्टेट से वो बॉर्डर नहीं खोलेंगे एंड नीदर वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलेंगे। तो इसके बारे में अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखनी, सीधे डायरेक्ट स्किप करना है, तो आई हैव लिंक्स डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, तुम उन पे देख सकते हो। उसमें WA की भी न्यूज है एंड उसमें इंटरनेशनल न्यूज भी है रिलेटेड टू, विच इज सेइंग कि क्रिसमस तक बॉर्डर्स खुल जाएंगे। एंड क्रिसमस तक बॉर्डर्स खुल जाएंगे, ये न्यूज इतनी सॉलिड क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ये सीधा नेशनल कैबिनेट मीटिंग के बाद आ रही है, सेकेंड जो टूरिज्म मिनिस्टर है यहाँ का, उसने खुद बोला है कि हमारा एम है कि ऑलरेडी एक साल से सारे ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे घर बैठे हैं, बंद पड़े हुए हैं, दे नीड टू गो आउट फॉर वेकेशन एंड क्रिसमस इनका भाई मेजर टॉप लेवल त्यौहार है, तो दे कांट मिस नॉट बीइंग अब्रॉड ऑन क्रिसमस। तो दैट्स देयर मेन थिंग, जो कि हेडलाइन है कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स टू बी ओपन बाय क्रिसमस टूरिज्म मिनिस्टर सेज। तो भाई अगर टूरिज्म मिनिस्टर से बात आ रही है तो डेफिनेटली इट हैज सम वेट। एंड इस पर मेरे पास तीन लिंक्स हैं, तीनों एक न्यूज एजेंसी के थ्रू है, एक CNN, दी अदर इज द स्ट्रेट टाइम्स जो एशिया की न्यूज है, एंड दी अदर इज द ब्लूमबर्ग चैनल, ठीक है। एंड एक टिप जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि iPhone 13 लॉन्च हो रहा है इस फ्राइडे को, हम लोग उसकी लाइव कवरेज करने की सोच रहे हैं इन द मॉर्निंग। सो इफ यू गाइज वॉन्ट लाइव स्ट्रीम ऑफ द एप्पल iPhone 13 लॉन्च, प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन सो दैट वी नो इफ पीपल इंटरेस्टेड। देन हम फ्राइडे को सुबह सुबह पहुंच जाएंगे एप्पल स्टोर एंड इट विल बी लाइव स्ट्रीम ऑन आवर चैनल। सो मेक श्योर वॉट कि आपके थॉट्स क्या है इस बारे में एंड अकॉर्डिंगली विल टेक सम एक्शन। सो सबसे पहले यही देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स टू बी ओपन बाय क्रिसमस टूरिज्म मिनिस्टर सेज, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू ओपन इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स बाय क्रिसमस एट द लेटेस्ट। तो ये लेटेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, कि देर से देर जो हो सकता है वो क्रिसमस होता है, हो सकता है उससे पहले भी बॉर्डर खुल जाए बट क्रिसमस से लेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाज बॉर्डर्स हैव बीन मोस्टली शट टू नॉन सिटीजन्स एंड नॉन रेजिडेंट्स सिंस मार्च 2020। पीपल विल बी एबल टू फ्रीली ट्रैवल आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया विद नो रिस्ट्रिक्शंस, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं यार। टूरिज्म मिनिस्टर का कहना है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑस्ट्रेलियंस विल बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड। एक चीज जो इस न्यूज में क्लियर नहीं है कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स के लिए खुलेगा बॉर्डर या फिर इट विल बी टू वे थिंग, लाइक वन वे सेंस में कि जो ऑस्ट्रेलिया में करेंटली हैं वो बाहर जाके वापस आ सकते हैं या फिर इन थ्योरी कोई भी बंदा आ जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलने का मतलब ये है देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू नो आउटबाउंड और इनबाउंड ट्रैवल। तो दिस इज वन न्यूज विच आई थिंक ये एक लूप होल है, अभी कन्फर्म नहीं है, बट इफ दिस से कि इट्स अ टू वे ट्रैवल तो कोई भी ऑस्ट्रेलिया में आ सकेगा एंड कोई भी ऑस्ट्रेलिया से जा सकेगा, बट इफ इट्स ओनली फॉर द रेजिडेंट्स हु आर इन ऑस्ट्रेलिया तो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा कि यू कैन गो आउट फॉर हॉलीडेज एंड देन कम बैक, नॉट टू द पीपल स्टक इन अदर कंट्रीज। सो दैट्स वन थिंग टू बी वेरी अबाउट। द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग ओपनिंग ट्रैवल बबल्स विद सेवरल कंट्रीज टू रिड्यूस क्वारंटीन टाइम्स एंड होप्स होम क्वारंटीन विल बी ऑपरेशनल बिफोर क्रिसमस। ये अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो भाई आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम वो देखो, काफी अच्छे अपडेट्स हैं उसमें। एंड उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि होटल क्वारंटीन फॉर 14 डेज इज वेरी एक्सपेंसिव, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का ही बंदा हो या फिर वो कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर हो। सो दैट्स व्हाई दे आर रिप्लेसिंग दोस प्लान्स विद होम क्वारंटीन, दैट टू ओनली फॉर 7 डेज एज लॉन्ग तुम्हें वैक्सीन लग चुकी है। एंड वैक्सीन से याद आया मेरे को कि आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड वैक्सीन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से वैक्सीन है और कुछ कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ एस्ट्राजेनेका और फाइजर स्पेसिफाइड है, तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि फाइजर एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को वैक्सीन मोडर्मा कौन कौन सी वैक्सीन एक्चुअली में ट्रस्टेड हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रिकग्नाइज हैं, तो उस पर बहुत सारा कंटेंट आई एम प्लानिंग टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट इन द कमिंग 5 to 6 days आई विल डेफिनेटली पब्लिश दैट आउट एज वेल। देन सेकंड लिंक इज ऑल्सो इन अकॉर्डिंग टू दिस कि ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू ओपन इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स बाय क्रिसमस एंड दिस इज अ कैनबरा
जगह में जो वहाँ पे नेशनल मीटिंग हुई थी वहाँ का है ये, एंड इट वॉज पब्लिश्ड 4 आवर्स अगो, सो दैट इज द लेटेस्ट विच आई करंटली हैव. ऑस्ट्रेलियंस विल बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डेस्टिनेशन वंस द वैक्सीनेशन इन द रिस्पेक्टिव होम स्टेट्स हिट 80%. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे लिखे ऑस्ट्रेलियंस विल बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डेस्टिनेशन, विच टेक्निकली मीन्स ऑन पेपर कि तुम किसी भी कंट्री जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास डेस्टिनेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विच मीन्स यू आर फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर. तो अगर ये न्यूज यू नो आगे जाके सही हो जाती है, विच आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है स्पेशली फॉर पीपल हु आर हियर. अगेन लेकिन वही पॉइंट है कि ये सारे सिटीजन्स के लिए खुले जाएगा कि नहीं, एंड आइदर इट इज ओनली ऑस्ट्रेलियंस विच कैन ट्रैवल अब्रॉड या फिर बाहर के लोग भी ऑस्ट्रेलिया आ पाएंगे. देन अगेन दिस थर्ड लिंक इज फ्रॉम CNN, ये भी एक अच्छा लिंक है, इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है अलॉन्ग विद वीडियो लिंक्स. इफ यू वॉन्ट टू नो मोर इन डिटेल देन आई वुड रिकमेंड कि तुम इस लिंक को पूरा देख लो. सो अगेन ऑस्ट्रेलिया इज ऑन ट्रैक टू अलाउ बॉर्डर्स टू रीओपन बाय क्रिसमस, द कंट्रीज मिनिस्टर फॉर ट्रेड टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट्स सेड ऑन वेडनेसडे. तो भाई ये कोई उड़ती हुई खबर नहीं है कि भाई कोई न्यूज चैनल ने कहीं से सुना और बना दी, दिस न्यूज इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द टूरिज्म मिनिस्टर. तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस न्यूज हैज सम वेट, एंड अगर उसने इतने कॉन्फिडेंटली बोला है कि दैट वी कैन ओपन द बॉर्डर्स बिफोर क्रिसमस, देन हु एम आई टू से कि भाई ये गलत होने वाले हैं. बट वील जस्ट हैव टू यू नो वेट एंड वॉच कि कहाँ और किस दिशा में इनका प्रोग्रेस जाता है विद द वैक्सीनेशंस. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट दैट वी आर डूइंग द प्रेपरेटरी वर्क. वन ऑफ दोज एक्शन आइटम्स इज पासिंग द 80% नेशनल वैक्सीनेशन रेट. तो इस पे भाई पिछले जितने भी वीडियोस आए हैं कोविड अपडेट के, उसमें काफी लोग मुझसे बोल रहे थे या फिर अपने व्यूज बोल रहे थे कि न्यू साउथ वेल्स के जो स्टेट है उसकी 80% वैक्सीनेशन होते ही दे विल ओपन अप द बॉर्डर्स. बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है. इवन दो न्यू साउथ वेल्स की 80% वैक्सीन हिट हो जाएगी तो न्यू साउथ वेल्स हो सकता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोल दे, बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि बाकी स्टेट्स भी खुल जाएंगे, विच इज एग्जैक्टली वॉट WA प्रीमियर हैज सेड कि ही डजंट केयर अबाउट कि न्यू साउथ वेल्स में वैक्सीनेशन कितनी है, विक्टोरिया में वैक्सीनेशन कितनी है. उसने सिर्फ अपने स्टेट का बोला हुआ कि देखो भाई जब तक मेरे स्टेट और मुझे ठीक नहीं लगेगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने हैं तो आई डोंट केयर अबाउट वॉट रेस्ट ऑफ द कंट्री डज, माई ट्रैक पॉइंट विल बी कि भाई हमने बॉर्डर नहीं खोलने. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इट्स अ बेस्ट शॉट फॉर ट्रैवल एंड ओनली इफ द नेशनल वैक्सीनेशन रेट एक्सीड्स 80%. नेशनल वैक्सीनेशन रेट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 6 states कंबाइंड. तो इस पे और न्यूज आएगी कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर न्यू साउथ वेल्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलता है दैट डजंट नेसेसरी मीन कि बाकी स्टेट्स भी खोल देंगे. तो हो सकता है तुम इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाओ बट इंटरस्टेट ट्रैवल विल स्टिल बी शट. देन दिस इज अ गुड लिंक, पूरा पढ़ लेना. एंड लास्ट हम बात करते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का स्टेटस क्या है, क्योंकि आई नो फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ. अगर मेरी फैमिली मुझसे विजिट करने आएगी दे आर ओनली केयरिंग अबाउट डब्ल्यू एंड नॉट एनी अदर स्टेट. सो एज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट लाइन, मार्क मैकगोवन जो यहाँ का प्रीमियर है रिजेक्ट्स कॉल्स टू रीओपन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिफोर क्रिसमस. ये भी आज ही की न्यूज है एंड मेनी पीपल आर डिसअपॉइंटेड आफ्टर हियरिंग दिस, बट उसने अपना प्रॉपर वर्डिक्ट दिया हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू डिलिबरेटली अलाउ कोविड टू कम इन बिफोर सच अ टाइम दैट वी हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीन. तो मतलब इसके मुताबिक जब तक WA में पूरी हाई वैक्सीनेशन रेट नहीं हो जाएगा हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे एंड हम डोमेस्टिक बॉर्डर्स भी नहीं खोलेंगे. तो एज ऑफ टुडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दी जो परसेंटेज है पहली डोज का वो इज ऑलमोस्ट अबाउट टू टच 70 एंड द पीपल हु हैव टेकन द सेकंड डोज उनका परसेंटेज स्टैंड्स अबाउट लाइक 50-55%. सो आई वुड स्टिल से कि एक महीने बाद क्या पता इस सिचुएशन चेंज हो जाए, बेटर हो जाए, वैक्सीनेशन रेट बढ़ जाए, देन ऑब्वियसली यू नो WA will be open as well. I know some people in the eastern states are sort of demanding we do that. I don't really get that. Kyunki again as I said that McGowan said that he would set a date a couple of months after WA has reached between 80-90% of vaccination rate. To matlab agar aaj 80-90% vaccination ho jati hai uske bhi 2-3 mahine baad jaake WA ke borders kholenge. So be careful in mind ki main ye pura Australia ki baat nahi kar raha, this is just WA. As per his statement, he said that he would set a date a couple of months after WA has reached between 80-90%. So I think that line is pretty clear for me, for everyone else who is planning to come to WA, कि जब भी 80% vaccination hit हो जाएगी, उससे लेके अगले 2 महीने तक border नहीं खुलेंगे. After that, they can expect the borders to reopen. We'll bring down the border at some point in time with NSW and Victoria, but I'm going to set an artificial deadline of Christmas. So he again says कि interstate border भी खुल सकते हैं, but nothing is going to happen before Christmas. और अनलेस वी रीच द 80% टू द 90% वैक्सीनेशन मार्क. और इस लिंक में ये भी मेंशन किया है कि हाउ लाइफ विल लुक लाइक इन WA व्हेन द बॉर्डर्स रीओपन. सो जितने सारे ये पॉइंट्स हैं ये सारे उसके रिगार्डिंग है कि एक बार अगर बॉर्डर्स खुल गए व्हाट विल बी द प्लान आफ्टर दैट. क्योंकि बॉर्डर खोलना इज वन थिंग, मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ लाइफ आफ्टर द बॉर्डर्स रीओपनिंग इज अनदर थिंग.
So there will be some level of restrictions that we'll need to put in place. We'll beef up our contact tracing teams, and obviously we have a very strong plans around hospitals so that if there is an outbreak, we'll be able to cope up with that. एज ऑफ ट्यूजडे जो मैं तुम्हें रफ फिगर दे रहा था यहाँ पे उसकी एग्जैक्टली एक तुम्हें एग्जैक्ट परसेंटेज मिल जाएगी. एज ऑफ ट्यूजडे 60.6% ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियंस एज 16 और ओवर हैव हैड देयर फर्स्ट डोज एंड 42.3% आर फुली वैक्सीनेटेड. तो WA में लेस वैक्सीनेशन का रीजन एक ये भी है कि यहाँ पे जितने भी वैक्सीन की सप्लाई आई थी इट हैज बीन सेंट बैक टू न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया क्योंकि वहां पे आउटब्रेक बहुत ही सीवियर थे. तो नेचुरल सी बात है यार तुम्हारे पास अगर वैक्सीनेशन की सप्लाई कम होगी तो वैक्सीनेशन के रेट भी कम होंगे. तो इसलिए करंट नंबर्स को देख के लगता है इट विल टेक एटलीस्ट अनदर 60 days टू रीच दैट 70-80% मार्क. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द पॉपुलेशन इज लेस, इट्स अबाउट की वैक्सीन की डोजेस आर लेस एंड दैट अगेन हैम्पर्स एंड स्लोज डाउन द प्रोग्रेस. सो भाई ये चार लिंक है, आई थिंक दीज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन समझनी है. वट आर द प्लान्स फॉर क्रिसमस, वट आर द प्लान्स फॉर ओपनिंग द बॉर्डर्स, वट इज द प्लान इन स्पेसिफिक फॉर WA, बिकॉज आई लिव इन WA, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू दैट कि WA का सिनारियो क्या है एंड WA में आगे जाके सिनारियो क्या होने वाला है. सो यू कैन गो थ्रू दीज फॉर लिंक्स एंड आई थॉट ये आज वीडियो डालनी बहुत जरूरी थी क्योंकि ऐसा कोई ठोस डेट नहीं आई है बट दे आर ऑल पॉजिटिव कि क्रिसमस से पहले बॉर्डर्स खुल जाएंगे स्पेशली द टूरिज्म मिनिस्टर एंड WA की कंडीशन भी मैंने तुम्हें बता दी है. सो यू कैन अगेन गो थ्रू दिस लिंक्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर टू कमेंट डाउन. आईफोन के बारे में बता देना क्योंकि मैंने इनिशियली बोला था कि वी माइट डू अ लाइव स्ट्रीम. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन ट्यूनिंग इन डू लेट मी नो एज वेल. एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सम गुड 50K सब्सक्राइबर न्यूज इज कमिंग अप शॉर्टली, वी आर प्लानिंग इट. सो स्टे ट्यून फॉर मोर.